यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेबसाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन न्यूज की अब तक की ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं हूं कानिता इम्तियाज और मेरे साथ मौजूद हैं मुकद्दस इफ्तिखार। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव तक कौंसलर रसाई देने की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने मीडिया को हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रोज कुलभूषण जाधव को कौंसलर रसाई देने की पेशकश की गई थी। कौंसलर रसाई के हवाले से भारत के जवाब का इंतजार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुक्मरान अपने अंदर तब्दीली ला चुके, अब आवाम को अपने अंदर तब्दीली लाना होगी। ये बात वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जापान के रहनुमा मलिक एहसान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कही। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म के कामयाब दौरे अमरीका में जितना सरकारी खर्चा हुआ उतना माजी में किसी वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका में नहीं हुआ। हुकूमती सतह पर सादगी की इससे ज्यादा मिसाल और क्या हो सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में सिर्फ 2 घंटों के दौरान 109 मिलीमीटर जबकि रावलपिंडी में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, कोटली, मुल्तान, चकवाल, भक्कर, जहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और आजाद कश्मीर के इलाकों मुजफ्फराबाद और नुक्याल में भी वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने मरियम नवाज को पार्टी अहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में मरियम नवाज को पार्टी अहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन मरियम नवाज को पार्टी अहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला 27 अगस्त को सुनाया जाएगा। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 10 अगस्त तक कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिस्टम बन रहा है। सिस्टम के तहत बालाई सिंध में तेज बारिशों का इम्कान है लेकिन 10 अगस्त तक कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं। फ्रांस के दरिया से मिलने वाली 24 साल नौजवान की लाश हुकूमत के लिए वबा लेजान बन गई है। तफसीलात के मुताबिक 21 और 22 जून को फ्रांस के शहर नॉर्ट के करीब म्यूजिकल मौसीकी का प्रोग्राम रात के जारी था। पुलिस ने मुकर्रा वक्त ख़त्म होने पर लोगों से प्रोग्राम ख़त्म करने को कहा मगर लोग मुंतशिर ना हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने आंसू गैस और रबड़ की गोलियां बरसा कर लोगों को मुंतशिर किया। इस दौरान 13 से 14 अफराद ने जान बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।